Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के इस व्याख्यान संख्या सत्रह में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज के व्याख्यान में हम शुरुआत करेंगे मैनेजिंग एथिकल इश्यूज इन एचआरएम कैसे हम एचआरएम में नैतिक मुद्दों का प्रबंधन करते हैं उसके बारे में आज हमारा व्याख्यान रहेगा और इसमें आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे जिसमें हम शुरुआत करेंगे परिचय से इंट्रोडक्शन से एथिक्स बेसिकली क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी करने की कोशिश करेंगे शुरुआत में फिर हम बात करेंगे नैतिकता की प्रकृति किस प्रकार से है एथिक्स का नेचर कैसा है व्यवसायिक नैतिकता की आवश्यकता क्या होती है क्या ज़रूरत है कि बिज़नेस एथिक्स फॉलो किए जाएँ और इन एथिक्स के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं आ, किसी भी संगठन में वो किस प्रकार से बेहतर साबित होते हैं नैतिकता के स्रोत क्या हैं किन सोर्सेज से हमें ये एथिक्स और वैल्यूज़ प्राप्त होते हैं नैतिकता का महत्व क्या है इम्पॉर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे उसकी दुविधाओं के बारे में हम बात करेंगे ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पर हमें एथिकली डिसीजन लेने में समस्याएँ आती हैं हमें ये निर्धारित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि क्या सही है क्या गलत है किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए इन सब विषयों पे हम आगे चर्चा करेंगे इसके साथ ही हम बात करेंगे कार्यस्थल पर नैतिकता का प्रबंधन कैसे किया जाए हाउ टू मैनेज एथिक्स एट दी वर्क प्लेस बेटर कैसे हम अपने कर्मचारियों को और नियुक्तकर्ताओं को इस प्रकार से एथिक्स का इन्वॉलमेंट करें ताकि वो बेहतर तरीके से अपने कार्य को पूर्ण कर सकें एथिकली नैतिक निर्णय लेने में हमें कैसे डिसीजन मेकिंग लेने में मदद मिलती है नैतिक मानकों की पांच स्रोत क्या हैं जो हमारे फाइव सोर्सेज हैं एथिकल स्टैंडर्ड सेट करने के उनके बारे में हम बात करेंगे और आखिरकार कर हम बात करेंगे कैसे फ्रेमवर्क की जो हमें एथिकल डिसीजन मेकिंग लेने में मदद करें इसके साथ ही जान लीजिए कि आपके इस व्याख्यान से क्या उद्देश्य पूरे होंगे क्या ऑब्जेक्टिव आप अटेन कर पाएंगे व्यवसायिक नैतिकता की प्रकृति को आप समझ पाएंगे उसकी आवश्यकता और साथ ही उसके स्रोत क्या हैं नैतिकता का महत्व आपको मालूम चल जाएगा आप जान पाएंगे कर्मिक कार्यों में नैतिक कदाचार क्या होता है इसका एथिकल मिसकंडक्ट क्या होता है अगर हम पर्सनल फंक्शन में बात करें नैतिकता का प्रबंधन कैसे किया जाता है किस प्रकार से संगठन में इसको मैनेजमेंट किया जाता है इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी और साथ ही आप एक एथिकल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जान पाएंगे अगर आपको संगठन में कोई डिसीजन मेकिंग करनी है बेस्ड ऑन एथिकल ग्राउंड तो आप किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया को पूरा करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी तो शुरुआत करते हैं परिचय से इंट्रोडक्शन से कि एथिक्स होते क्या हैं नैतिकता क्या है नैतिकता की अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्टडी है जिसमें हम गुड और ईविल या राइट और रॉन्ग या जस्ट और अनजस्ट एक्शंस पे हम अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उससे तात्पर्य है नैतिकता का तो नैतिकता से तात्पर्य व्यवसाय के अच्छे और बुरे सही और गलत उचित और अन्यायपूर्ण कार्यों के अध्ययन से है जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए हमें उसमें एथिकली ग्राउंड्स uh, पे ये डिसीजन मेकिंग लेने से पहले ये देख लेना चाहिए क्या ये डिसीजन हमारा सही है या नहीं है कोई हम इस तरीके का कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिससे किसी प्रकार से हम किसी को कोई हानि पहुंचा दें या किसी के साथ हमारा अनजस्टिस हो जाए तो उनको सही डिसीजन मेकिंग को हम एथिक्स की रूप में जानते हैं अगर हम व्यावसायिक नैतिकता की अच्छी या बुरी प्रथाओं के आम तौर पर स्वीकृत मांडटों से सम्मान करते हैं जैसे कि बिज़नेस एथिक्स क्या है बिज़नेस एथिक्स भी यही है कि जो हमारे जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं वो सही और गलत किस प्रकार से हम उनका इस्तेमाल करते हैं उससे संबंधित है आपका व्यवसायिक नैतिकता अगर हम नैतिकता की प्रकृति को देखें किस प्रकार का इसका नेचर होता है तो बिजनेस एथिक्स डू नॉट डिफर जनरली फ्रॉम दी एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ गुड और बैड प्रैक्टिसेस हमने इसमें बिज़नेस वर्ड को बस अटैच कर दिया है जबकि अगर हम देखें कि एथिक्स या बिजनेस एथिक्स दोनों ही समान तौर पर एक जैसी ही बात है जिसमें हम बस कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले इतना हम अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये सही है या गलत है इसका परिणाम क्या होगा या ये किसी के साथ कोई अनजस्टिस या अनफेयर प्रैक्टिस तो नहीं फॉलो हो जाएगी उसको ही हम बिजनेस एथिक्स के रूप में जानते हैं तो इसमें केवल और केवल आपको जो फीचर आपको समझना है नेचर जो एथिक्स का कहता है सही और गलत का निर्णय लेना यदि समाज में बेईमानी अनैतिक और अनैतिक है तो कोई भी व्यवसायी जो अपने कर्मचारी ग्राहकों शेयरधारकों या प्रतिस्पर्धियों के साथ बेईमानी करता है वह अनैतिक और अनैतिक व्यक्ति है तो ये साफ़ रूप से कहा जाता है कि अगर आपके कोई भी संगठन कोई भी नियुक्तकर्ता अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने संगठन में अपने कर्मचारी जो हैं अपने इम्प्लॉइज़ या अपने शेयर होल्डर्स या अपने कस्टमर्स के साथ अगर वो डिसऑनेस्टी के साथ कार्य कर रहा है और वो कोई गलत व्यवहार रखता है तो वो आपका अनएथिकल ही कंसिडर होगा अपने अपने किसी भी पर्सन को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से चाहे वो कस्टमर के रूप में जुड़ा हो चाहे वो सरकार हो चाहे वो शेयर होल्डर्स हो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, हो चाहे वो आपके कर्मचारी हो उनके साथ आप किस प्रकार से डील करते हैं या कोई अगर मॉरल एक्ट में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो ही कंसिडर होगा व्यवसायिक नैतिकता की आवश्यकता क्या है क्या ज़रूरत है हम व्यवसाय में इस नैतिकता को लाएं या इन्वॉल्व करें तो बहुत ज़रूरी है हम जानते हैं व्यवसाय में समाजवाद का परिचय होना इंट्रोडक्शन ऑफ सोशलिज्म इन बिजनेस जो भी हम व्यापार कर रहे हैं वो एक सोसाइटी में हम करते हैं कभी भी हम कोई भी व्यवसाय इंडिविजुअली नहीं कर सकते कोई भी बिजनेस एक सोसाइटी का ही पार्ट है क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सामाजिक तौर पे कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं और समाज से ही हमारे सारे संसाधन चल रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम इसमें समाजवाद लाएँ सोशलिज़्म आए कि हम जो भी कार्य करें वो एथिकल ग्राउंड्स पर करें और किसी को इससे कोई भी हानि ना हो आयोग के हेत में आपकी जो इंडस्ट्री है उसके इंटरेस्ट के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एथिक्स को फॉलो करें आपकी इंडस्ट्री की एक एक जो इमेज है या उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत हद तक निर्भर करती है कि आपकी नैतिकता क्या है आप किस वैल्यूज़ पे आप किन एथिकल ग्राउंड्स पे अपने कार्य को कर रहे हैं खरीदारों का जो बाज़ार है जो बायर मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो अगर आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से और अपनी नैतिकता के साथ करते हैं और लोगों के साथ कोई चीट नहीं करते हैं या उन्हें कोई इस तरीके के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं देते हैं जो अनएथिकल हैं जो जिन्हें बाद में लगे कि, कि किसी भी व्यापारी ने या किसी संगठन ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है या उनके साथ कोई मिलावट जैसी व्यस्तु उनको दे दी है तो अपने बायर्स मार्केट को पॉजिटिव बनाने के लिए मार्केट में अपनी इमेज को गुडविल को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कार्य को एथिकली करें बैटर रिलेशनशिप विद दी सोसाइटी जब आप अच्छा कार्य करते हैं और नैतिकता के साथ करते हैं तो समाज भी आपके साथ जुड़ा रहता है और आपके प्रोडक्ट्स को आपकी सर्विसेज़ को आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो अच्छा समझता है और आपके रिलेशनशिप्स उसके साथ बेहतर होते हैं और ये सारी चीज़ें आपको आपके संगठन को आगे ले जाने में भी बहुत हद तक कारीगर सा, साबित होती हैं क्योंकि अगर सोसाइटी आपके साथ है और आपको पसंद करती है आपके कार्य करने के तरीके को वो एथिकल कंसीडर करती है तो आमूमन सी बात है कि वो आपके प्रोडक्ट्स को आपकी सर्विसेज को औरों और, और, और कर्मचारी और और संगठनों से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगी और उन्हीं को बाय करेंगी व्यवसाय और समाज को लाभ होता है जब आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं तो आपके कार्य को भी इससे फ़ायदा होता है आपके व्यापार को भी इससे फ़ायदा होता है और इसके साथ साथ आप समाज को भी फायदा देते हैं तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संगठनों में जो कार्य हो रहा है वो एथिकल ग्राउंड्स पे होना चाहिए अपने वैल्यू सिस्टम को अपने अपने एथिकल ग्राउंड्स को वो पहले से समझें कि जिस भी कार्य को वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है उनको चूज करना होगा गुड ओवर बैड शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोशलिज्म से जैसा हमने कहा इसका मतलब यह है कि व्यवसाय के लाभ को सभी संबंधित पक्षों द्वारा साझा किया जाना चाहिए और ये आज के दौर पे इसको हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं जिसमें सरकार भी ये कहती है कि जितने भी व्यवसाय हैं जितने भी संगठन हैं जो वो कार्य कर रही हैं और कार्य करने से उनको जो मुनाफे होते हैं उसका कुछ भाग्य वो सोसाइटी को लौटाएं क्योंकि जितना भी वो कर रहे हैं जो भी कमा रहे हैं जो भी ले रहे हैं वो सोसाइटी से ही ले रहे हैं तो उनका एक दायित्व बनता है कि वो समाज को ये लौटाएं तो इसका मतलब ये है कि व्यवसाय के लाभ को सभी संबंधित पक्षों द्वारा साझा किया जाना चाहिए ना केवल व्यवसायी का मालिक द्वारा ऐसा नहीं है कि वो केवल प्रॉफ़िट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का है ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है उसी का वो प्रॉफिट है ऐसा नहीं होना चाहिए लाभ समूह प्रयासों का परिणाम है कि और इसी संबंधित क्यों इस साझा करना चाहिए दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यवसाय में समाजवाद की अवधारणा कहती है कि श्रमिक श्रेयधारक उपभोक्ता अन्य सभी जो व्यवसाय की सफलता में योगदान करते हैं इन्हें इसका लाभ साझा करना चाहिए तो सोशलिज्म आप अपने बिजनेस में तभी ला पाएंगे जब आप अपने एथिक्स और वैल्यूज़ पे काम करते हैं आप ये मानते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में हो रहे लाभ में केवल आप ही का योगदान नहीं है बल्कि आपके साथ कार्य कर रहे सभी लोग जो जुड़े हुए हैं चाहे वो कर्मचारियों के रूप में हो चाहे वो आपके शेयर होल्डर्स के रूप में हो या वो आपके कस्टमर्स हो या फिर आपका सरकारी कोई योगदान आपको मिल रहा है तो उन सभी से अगर आप साझा करेंगे तो आपके बिजनेस में और बढ़ोतरी होगी और आपका बिजनेस और बेहतर कार्य करेगा तो सोशलिज्म आप लाते हैं अपने बिजनेस में जब आप एथिक्स को फॉलो करते हैं और आपका ये मानना होता है कि आपका जो संगठन है जो लाभ कमा रहा है वो केवल आपकी वजह से नहीं है इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री की छोटी व्यवसायिक फर्मों के हित की रक्षा के लिए व्यवसायिक नैतिकता की आवश्यकता है बड़ी कंपनियां आमतौर पर छोटी कंपनियों पर हावी होने और उन्हें खत्म करने की कोशिश करती हैं यदि उद्योग आचार संहिता का पालन करता है तो छोटी कंपनी अपने अस्तित्व के लिए लड़ सकती है और लंबे समय तक व्यवसाय में बनी रह सकती है तो आप अगर अपने कार्य में बने रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो कार्य वो लंबे समय तक रहे और आप मार्केट में अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखें लंबे समय तक तो बहुत ज़रूरी है आप अपने कार्य को एथिकली करें अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत हद तक तय है कि मार्केट में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपकी इमेज को ख़राब कर दें और आपको मार्केट से बाहर कर दें तो जो छोटी कंपनियां हैं खासकर से जिन्हें अपना अस्तित्व बनाना है समाज में एक मार्केट में अपनी इमेज क्रिएट करनी है उनके लिए तो ये बेहद ज़रूरी है कि वो अपने कार्य को निष्ठापूर्व और नैतिकता के साथ करें ताकि उन्हें समाज में सोसाइटी में उस इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिकने का मौका मिले इसके बाद बायर्स मार्केट की अगर हम बात करें हाल के दिनों में व्यवसाय की अवधारणा में संचारनात्मक परिवर्तन हुए हैं कई उत्पादनों के मामले में विक्रयकर्ता बाज़ार को खरीदार बाजार में बदल दिया गया है और ऐसी बदली हुई व्यवसायिक परिस्थिति में लाभ अभिमान्यस के साथ पर उपयोगता संतुष्ट और सेवा अभिन्यास के महत्व पर जोर देने के लिए व्यवसायिक नैतिकता की आवश्यकता आवश्यकता है तो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं जो बिजनेस में और जो मार्केट में जो चेंजेस आए हैं और जो मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में उनकी बाइंग हैबिट्स में जो चेंज आ रहा है उसको हमें यहाँ पर बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उनकी जो सर्विसेज हम दे रहे हैं वो ऐसी हों जो एथिकल हों ताकि जो बायर्स है, हैं वो आपसे जुड़े रहें और आपके प्रोडक्ट को आपकी सर्विसेज को पसंद करें बेटर रिलेशनशिप विद दी सोसाइटी कोड ऑफ कंडक्ट से जब आप कार्य करते हैं और अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं जैसा कि मैंने कहा तो आपका समाज जो है वो आपसे जुड़ा रहता है और आप एक बेहतर रिलेशनशिप उसके साथ एस्टेब्लिश कर पाते हैं क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि आप सभी चीजों के बारे में जब ध्यान रख रहे हैं अपने वर्कर्स अपने शेयर होल्डर्स अपने कंज्यूमर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स सप्लायर्स कॉम्पिटिटर्स और गवर्नमेंट जब सबके हित में कार्य करते हैं तो सब स्वाभाविक सी बात है वो समाज भी आपके हित में ही सोचेगा और आपके साथ वो बेहतर एक रिलेशनशिप बनाकर चलेगा एथिक्स के होने से सोसाइटी को और बिजनेस को दोनों को एडवांटेज मिलता है क्योंकि एथिक्स पॉइंट आउट करता है क्या सही है क्या गलत है व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड सो ऑल्सो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इससे आपको पता चलता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है इट ब्रिंक्स टू दी नोटिस ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनिस्टी सिंसियरिटी फेयरनेस विच मेक दैम अलर्ट एंड सोशली कॉन्शियस तो आपका अगर कार्य सही होगा आप ऑनेस्टी के साथ कार्य कर रहे हैं सिंसियरिटी और फेयरनेस के साथ अगर अपना कार्य कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी अगर रख रहे हैं तो वो डेफिनेटली लोग उसको नोटिस करेंगे और जब लोग आपके कार्य को नोटिस करते हैं तो आपको उसी से फ़ायदा मिलता है क्योंकि जब समाज आपके साथ जुड़ जाता है तो आपके बिज़नेस की तरक्की आपके बिज़नेस का सक्सेस निश्चित ही होगा बिज़नेस के एथिक्स जो हैं वो बिज़नेस को और सोसाइटी को बड़ा बनाने में मदद करते हैं इट इंश्योर्स दी हेल्दी एटमॉसफियर इन बिज़नेस विज इंश्योर्स दी इम्प्रूवमेंट इन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ़ दी सोसाइटी तो समाज के लिए और आपके व्यवसाय के लिए दोनों के लिए ही एडवांटेजियस है दोनों के लिए ये लाभदायक है कि आप अपने संगठनों में अपने कार्य को नैतिकता के साथ करें इसके बाद अगर हम बात करें नैतिकता के स्रोत क्या हैं कहाँ से हमें ये समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है कौन हमें ये सिखाता है इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है हमें जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो किस प्रकार से करनी चाहिए उसके लिए हम यहाँ पर तीन सोर्सेज को अमूमन ज़रिया मानते हैं कि यहाँ से हमें समझ और समझदारी का आभास होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसमें सबसे पहले हमारा आता है धर्म हम रिलीजन जो हम फॉलो करते हैं वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दूसरा हमारी संस्कृति जो हमारे कल्चर्स हैं जो वैल्यू सिस्टम हम अपने बचपन से अपने घर परिवार से अपने समाज से जो सीख रहे हैं उसमें इसका इन्वॉलमेंट होता है और तीसरा जो हमें एथिकल ग्राउंड्स पे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वो हमारा लॉ है हमारा कानून है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ़ कुछ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है तो शुरुआत करते हैं रिलीजन से और समझने की कोशिश करते हैं कि रिलीजन किस प्रकार हमें इस तरीके से डिसीजन लेकिन मेकिंग करने में मदद करता है तो जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाउंडेशन है एथिकल स्टैंडर्ड का वो किसी भी रिलीजन से आता है सबसे पुराना आप मान सकते हैं कि, कि किसी भी इंसान को किसी भी व्यक्ति को जब कोई कार्य बताया जाता है तो वो उसका जो रिलीजन है जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करता है चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो जैनज़म को फॉलो करता है चाहे वो बुद्धिज़म को फॉलो करता है किसी भी प्रकार की कम्युनिटी को जब आप फॉलो करते हैं कोई एक रिलीजन आप फॉलो करते हैं तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है और आपके वेरियस एस्पेक्ट्स को वो स्टडी करता है ये ग्रुप्स डिफ़ाइन करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है हमारी जो आ, हमारी जो रिलीजियस बुक्स हैं जो हमारे स्टडीज़ हम करते हैं अपने घर में अपने परिवार में जो हम सुनते हैं हमारा रिलीजन जो हमको सिखाता है उस तरीके की चीज़ों को हम मान लेते हैं और उसी प्रकार से हम अपने डिसीजंस को आगे लेते हैं ये हमें बताता है कि गुड और बैड क्या है सोसाइटी में डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस वी हैव ऑन दी सेट्स ऑफ पीपल यहाँ पर एक और चीज़ है बहुत सारे लोगों का अलग अलग मान्यता होती है कुछ लोग रिलीजियस होते हैं और कुछ लोग रिलीजियस नहीं होते हैं तो जो ज़्यादा रिलीजियस होंगे अमूमन सी बात है वो उतना ही उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे और उसकी चीज़ों पे ज़्यादा गौर फरमा के उसी प्रकार से वो डिसीजन मेकिंग करेंगे और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज़ के लोग होते हैं अलग अलग अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर बिलीव इन देयर ओन रिलीजन तो अगर वो अपने रिलीजन्स पे विश्वास रखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं तो उनके जितने भी डिसीजंस होंगे वो इसी प्रकार से होंगे कि उनके रिलीजन में जो उनको सिखाया गया है बताया गया है कि किस प्रकार से हमें कार्य को करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है तो वो उससे बहुत हद तक प्रेरित रहते हैं दूसरा जैसे हमने बात करी हमारी संस्कृति कैसी है किस कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं सांस्कृतिक व्यवहारों और मूल्य का एक पैटर्न है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से नृत्य तैयार होता है और जिन्हें आदर्श या स्वीकार सीमा के भीतर माना जाता है तो कल्चर बेसिकली क्या है कल्चर हम इनहेरिट करते हैं कल्चर हमारे पूर्वजों से हम सीखते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे जो एनसस्टर्स हैं जो वो करते थे उन्हीं चीज़ों को हम भी दोहराते हैं तो ये हमारी संस्कृति है जो हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या चीज़ें हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं क्या चीज़ें हमारे लिए राइट हैं क्या चीज़ें हमारे लिए रॉन्ग हैं कल्चर डिटरमाइंस व्हाट इज़ एथिकल एंड व्हाट इज नॉट तो हमारी जो संस्कृति है वो ये निर्धारित करती है कि क्या एथिकल है क्या एथिकल नहीं है हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिफाइन करते हैं एज ए ग्रुप ऑफ पीपल जो हम अपना कल्चर बना लेते हैं कि हम किन चीज़ों को फॉलो करेंगे और किन चीज़ों को हम फॉलो नहीं करेंगे हमारे लिए क्या होना सही है और क्या सही नहीं है तो कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल डिटरमाइन करते हैं एक वैल्यू सिस्टम के एक इंडिविजुअल के कोड ऑफ़ कंडक्ट में कि, कि वो किस ग्रुप ऑफ़ सोसाइटी को बिलोंग करता है जिस ग्रुप ऑफ़ सोसाइटी को आप बिलोंग करते हैं जिस प्रकार की संस्कृति आप सीखते हैं अपने पूर्वजों से और अपने घर के परिवार के लोगों से अपनी सोसाइटी से उसी प्रकार से कार्य करने का आपका भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और उसी के हिसाब से आप सही गलत का निर्णय लेते हैं और जैसा कि तीसरा हमने का लॉ हमारा कानून जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पूरी इसमें निभाता है क्योंकि लॉ जो है वो हमें बताता है कि हमारा क्या प्रोसीजर होना चाहिए हमारे कार्य करने का तरीका क्या होना चाहिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट हम फॉलो करें किस चीज़ को सरकार जो है वो सही मानेगी और किस चीज़ के लिए हमें एक्सपेक्ट एक्सेप्टेस मिलेंगी किस चीज़ को हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो वो लॉ जो है हमें बहुत सारी चीज़ों को करने में मदद करता है हमारे एथिकल बिहेवियर को गाइड करता है जो भी हम संगठन में काम कर रहे हैं जैसे हमारे टैक्सेस जो हैं वो हमें किस प्रकार से पे करने चाहिए हमारी कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी कैसी होनी चाहिए हम क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं या हम टैक्स देने की चोरी तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो लाभ आप कमा रहे हैं उसको गवर्नमेंट को भी आप पे करें इन दी फॉर्म ऑफ टैक्सेज क्योंकि जो सरकार आपको सेवाएँ देती है उसके लिए आपका भी दायित्व बनता है कि आप उसको टैक्स के फॉर्म में रिटर्न करें क्योंकि आप केवल अपने लिए नहीं सोसाइटी के लिए पूरी इकनॉमी के लिए इसमें मदद करते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन दी पेमेंट ऑफ टैक्सेस आप जो क्वालिटी बना रहे हैं प्रोडक्ट की वो बेहतर होनी चाहिए उसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि आप दाम अच्छे लें और कस्टमर uh, को बेहतर क्वालिटी ना दें आपके सर्विस नॉर्म्स किस प्रकार से होने चाहिए आप अपने कस्टमर्स को अपने एम्प्लॉज को किस तरह से आप डील करेंगे किस तरह से उनके साथ uh, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी इन सारी चीज़ों को हमारा जो कानून है वो हमें सिखाता है और हमें बताता है कि क्या चीज़ें हमें उनके प्रकार किस तरह से करनी है तो हमारे अगर एथिकल ग्राउंड्स के हम सोर्स की बात करें तो ये तीन इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं जहाँ से हमें ये डिसीजन मेकिंग लेने में पावर मिलती है कि कार्य को हमें किस प्रकार से करना है जिसमें हमने बात करी आपके रिलीजन की आपके कल्चर की और आपके कानून की आगे हम बात करते हैं नैतिकता का महत्व क्या है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है इसके होने से हमें क्या लाभ मिलते हैं तो सबसे पहला हमारा जो प्रॉफिट है मैक्सिमाइजेशन का जो हमारा उद्देश्य होता है डेफिनेटली जब आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं और एथिकली करते हैं ना केवल बेहतर बल्कि आप नैतिकता के साथ जब अपने कार्य का प्रचारन करते हैं या आप उसको कंडक्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि ये तय है कि अगर आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं इंडस्ट्री में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य को नैतिकता के साथ करना होगा क्योंकि अगर अनएथिकली कार्य करेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय तक आपको अच्छा मुनाफा हो लेकिन आप लंबे समय तक मार्केट में नहीं बने पाएंगे क्योंकि कोई भी सोसाइटी आज के टाइम में अनअवेयर नहीं है जिस तरीके से डेवलपमेंट एडवांसमेंट्स की हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आपके लिए बहुत अनिवार्य है कि आप अपने कार्य को नैतिकता के साथ करें क्योंकि कोई भी आपकी अनएथिकल प्रैक्टिस आपकी इमेज को आपकी गुडविल को किसी भी समय खराब कर देगी और आप लंबे समय तक कार्य को नहीं कर पाएंगे उसकी बजाय जब आप अच्छे कार्य करते हैं बढ़िया तरीके से जब आप जुड़े रहते हैं सोसाइटी के साथ तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है दूसरा आपको फ़ायदा मिलता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज आपके जो संगठन के रिसोर्सेज हैं जो संसाधन हैं आपके उनको आप बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं बाजार में आपकी साख बनी रहती है आपकी गुडविल बनी रहती है जो आपको फर्दर हेल्प करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ही इन तीनों को हम और विस्तार से समझ लेते हैं हम बात कर रहे थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जैसा हमने कहा कि व्यवसाय में नैतिकता के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि नैतिक व्यवसाय दूसरे की तुलना में बहुत अधिक मुनाफा कमाते हैं इसका कारण यह है कि नैतिकता का पालन करने वाले व्यवसायों को ग्राहक ऐसे व्यवसाय की सेवाएं और उत्पाद पेश के पेशकशों के प्रति वफादार और संतुष्ट होते हैं जो बिजनेसेस अपने काम को एथिकली करते हैं अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करते हैं तो सोसाइटी के जो लोग हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उनकी सर्विसेज पे उनके प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और इसी की वजह से उनकी जो सेल है वो ज़्यादा होगी और उसी के साथ उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है इसमें दूसरा हमने कहा एफिशेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन पीपल वर्किंग एट दी जूनियर लेवल ऑफर एमिलेट्स the ones working at the top and the same applies to the ethics too if the management or the seniors of the organization follow ethical business practices they do not bribe they do not get their way and they do not cheat with the customer investors and suppliers the employees will follow the same suit तो देखिए हम ये वैसे भी कहते हैं कि जैसा बड़े करते हैं वैसे ही आपके छोटे भी करते हैं तो संगठन में कार्य कर रहे जो आपके नियुक्तता हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं जो टॉप मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे हैं अगर वो अपने कार्य को एथिकली करते हैं तो वो यही सारा मैसेज आपके जूनियर विंग्स में भी या जूनियर मैनेजमेंट भी पास ऑन करते हैं आप किसी से रिश्वत नहीं ले रहे हैं आप किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं आप किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपके जितने जो कर्मचारी हैं जो जूनियर लेवल पर काम कर रहे हैं वो भी अपने कार्य को बेहतर तरीके से निर्वाह करते हैं और उसी पैटर्न पर काम करते हैं जिस पैटर्न पर टॉप मैनेजमेंट कार्य कर रहा है तो इस प्रकार से आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन बहुत इफेक्टिवली होता है उसमें कोई भी मिसयूटिलाइजेशन नहीं होगा इसके बाद जैसा हमने कहा संगठनों की गुडविल मार्केट में बेहतर होती है अगर आप एथिकली कार्य करते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वेल नोन फॉर इज एथिकल प्रैक्टिस क्रिएट्स अ गुडविल फॉर इट्स सेल्फ इन दी मार्केट ऐसे संगठन जो अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं एथिकली करते हैं तो उनका मार्केट में एक इमेज बन जाता है गुडविल बन जाता है और इन्वेस्टर्स और वेंचर्स कैपिटलिस्टिक आर मूविंग आर मोर विलिंग टू पुट देअर मनी इन टू द बिजनेस वेअर दे कैन ट्रस्ट तो आपके आपके संगठन में अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ इन्वेस्टर्स आएँ और आपके यहाँ पर वो इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्टर्स भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करते हैं जो अपने काम को एथिकली कर रहे हैं जो रोल्स को कोड ऑफ कंडक्ट को, को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो इससे आपको अगेन दोबारा से बेनिफिट मिलता है जो हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बात करी थी सोसाइटी के ट्रस्ट करने से चाहे वो कोई भी हो सोसाइटी का पार्ट आपको हर तरीके से उसमें बढ़ोतरी होती है और आपकी ग्रोथ होने लगती है कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज भी आपके लॉयल बने रहते हैं और आपका बेहतर कार्य करते हैं अब हम बात करेंगे नैतिक दुविधाओं की एथिकल डिलेमास क्या होते हैं कई जगह पर हमें डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं कई जगह पर हमें ये सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि क्या हमारा जो एक्शन है वो सही है या गलत है क्या हमको ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसी दुविधाओं के क्या आ, क्या कारण हो सकते हैं या ऐसे क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर हमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं तो यहाँ पर एच मैनेजर के द्वारा तीन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं जहाँ पर ये एथिकल डायलमाज आती हैं आमने सामने जब नैतिकता होती है फ़ेस टू फ़ेस कोई डीलिंग हो रही है और उसमें हमें ये आ, सोचना पड़ता है या कार्य में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि ये कार्य हमें करना है या नहीं करना है या इसको किस प्रकार से करना चाहिए कॉरपोरेट पॉलिसी एथिक्स में हमें कई बार ये दिक्कत आती है कि किस प्रकार से हम अपनी पॉलिसीज को अपने स्ट्रैटेजीज़ को डिफाइन करें और फंक्शनल एरियाज एथिक्स में भी हमें ये कई बार समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस टू फ़ेस एथिक्स की दीज अराइज मेनली बिकॉज दे आर ह्यूमन एलिमेंट्स इन द मोस्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन जब हम बात करते हैं मानव संसाधन की और संगठनों की तो संगठनों में ज़्यादातर हम किससे डील करते हैं वो है सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन से ही हमारा सारा कार्य है तो जब हम ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे डील करना पड़ता है एक ह्यूमन एलिमेंट जो है वो हमेशा हमें उसमें इन्वॉल्व रखना पड़ता है तो कई बार ऐसा होता है कि परचेजिंग एजेंट ऑफ अ कंपनी डेवलप्स पर्सनल रिलेशनशिप विद दी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है जब आप साथ में कार्य कर रहे होते हैं या साथ में जब आपकी रोज डीलिंग होती है तो आपके जो संबंध हैं एक दूसरे के साथ वो बहुत बेहतर हो जाते हैं जिसमें आप कई बारी एक दूसरे को अपने नाम से बुलाने लगते हैं प्रोफेशनली तो ये राइट नहीं है क्योंकि जब आप प्रोफेशनली एक दूसरे से जुड़े हैं तो आपको बहुत एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करके न, रखना चाहिए ऐसा एथिक्स कहते हैं लेकिन क्योंकि हम ह्यूमैनिटेरियंस ग्राउंड पे बात करते हैं हमारी आपस में यारी दोस्ती भी होती है तो हम एक दूसरे को एक दूसरे के नाम से बुलाने लगते हैं एक दूसरे के साथ खाना खाने लगते हैं फ़ोन पे बात करने लगते हैं या हम एक दूसरे के साथ जाने आने लगते हैं तो इससे क्या होते हैं हमारे आपसी संबंध जब बेहतर होते हैं तो कई चीज़ों में हम ऐसा भी कार्य कर लेते हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए लेकिन ये कोई बहुत बड़ा अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं है बट डेफिनेटली इसको एथिक एथिकल नहीं माना जाता कई बार हमें ये सोचने में या समझने में दिक्कत आती है कि हमारा ये जो व्यवहार है वो एथिकल है या नहीं है क्या ये सही है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं है उसमें ये ये दिक्कत आती है डिलेमा आता है ये प्रॉब्लम आती है जैसे एक और एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं जैसे कंपनी का जो बेस्ट कस्टमर हमें लगता है उससे हमने एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इसलिए कर रखा है क्योंकि वो चाहते हैं कि कस्टमर से उनको फीडबैक मिलता रहे कि वो जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें और चीज़ों के बदलाव की जरूरत है या नहीं है हालांकि ये एथिकल नहीं है या ये आप ये भी नहीं कह सकते कि अनएथिकल है तो ये कुछ डेलेमाज हैं ये ऐसी सिचुएशनस हैं जहाँ पर हमें ये डिफाइन करना ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है अमूमन तौर पर ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं क्योंकि आप जब ह्यूमंस के साथ डील करते हैं तो आपकी एक रिलेशनशिप एक बॉन्डिंग एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है आपस में बातचीत करने का आपका जो जरिया है या तरीका है उसमें बदलाव आ ही जाता है इसके बाद दूसरी जो समस्या आती है वो कई बार कॉरपोरेट पॉलिसीज़ को डिफाइन करने में आ जाती है जैसे कंपनीज़ आर ऑफन फेस विद द एथिकल डेलेमा दैट इफेक्ट देअर ऑपरेशन अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट एज वेल एज डिवीजन तो जैसे हम बात कर सकते हैं जैसे आप आर एन डी डिपार्टमेंट हैज़ मॉडर्नाइज वन ऑफ यूर प्रोडक्ट एंड इट इज नॉट रियली न्यू एंड इम्प्रूव्ड बट यू नो प्रिंटिंग दीज स्टेटमेंट ऑन दी पैकेजेज यूजिंग इन द एडवर्टीजमेंट विल इंक्रीज इन सेल क्या किया आपने कि आपके जो रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसने क्या किया कि प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं किया है लेकिन हाँ प्रोडक्ट की पैकेजिंग में प्रोडक्ट का जो एक रूपरेखा है उसमें उन्होंने कुछ नया इनोवेशन और क्रिएटिव कर दिया है जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो नया और बढ़िया दिख रहा है आप इस बात को बखूबी जानते हैं एज अ एज एन एम्प्लॉयर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन एज अ ओनर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन कि इसमें बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं आया है लेकिन हाँ इसको करने से आपके प्रोडक्ट के सेल में वृद्धि होगी और उसमें आपको मुनाफा होगा तो फिर आप इस चीज के लिए समझ नहीं पाते कि ये कहना सही है या नहीं है समाज को या मार्केट में कि आप कुछ नया लेकर आए हैं क्योंकि जब का मन जानता है कि आपने उसमें बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किए केवल उसकी उपरेखा और रंग रूप उसका बदल दिया है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि सेल्स में इफेक्ट होगा और आपकी सेल्स की वृद्धि होगी और आप इस प्रकार के कार्य को करने लग जाते हैं तो कॉर्पोरेट पॉलिसीज में आप कई बार ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है ऐसा करना चाहिए कि नहीं तो थोड़े बहुत अपने फायदे के लिए आप इस प्रकार से कार्य कर लेते हैं कई बार आप ये भी देखते हैं कि चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे होता है अब आज के ज़माने में जैसे तकनीकी एडवांसमेंट्स डे बाय डे हो रहे हैं तो उन मॉडर्नाइजेशंस को जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं उन नई टेक्नोलॉजी को जब हम अपने संगठन में लेकर आते हैं तो उसके लाने से कई सारे जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरियाँ चली जाती हैं डेफ़िनेटली आज के टाइम पर जितना एडवांसमेंट हो रहा है क्योंकि जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं अगर उसमें कैपिटल इंटेंसिव आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसमें लेबर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो लोगों को आपको नौकरी से निकालना भी पड़ता है ले ऑफ़ भी करना पड़ता है क्योंकि आप उनको आ, ऐसे ही तो तनख्वाह नहीं दे सकते हैं या तनख्वाह अगर आप देंगे तो आपके आ, काम का नुकसान होगा या आपके ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा इसमें जब आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं बेहतर मशीन से तो इस तरीके के डिसीजंस लेने में अगेन कॉरपोरेट्स को प्रॉब्लम आती है दिक्कत आती है कि वो किस प्रकार से अपना मूवमेंट आगे करें क्योंकि उनको आगे बढ़ना भी है कॉम्पिटिशन में भी रहना है और किसी हद तक अपने एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को भी सेफ करना है तो यही सारे समस्याएं हैं जो कि मैंने आपके साथ बताई मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को ग्रोथ होने की बात हो रही है और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने कर्मचारियों को हम रखें या उनको निकाल दें आगे हम बात करते हैं तीसरे एरिया की जिसको हमने फंक्शनल एरिया एथिक्स के रूप में जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से समस्या आती है फंक्शनल एरिया ऑफ अ बिजनेस आर लाइकली टू कंफर्ट एथिकल इश्यूज अकाउंटिंग इज अ क्रिटिकल फंक्शन ऑफ अ बिजनेस हम सभी जानते हैं कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेस का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है और अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो आपकी कंपनी की साउंडनेस को दिखाता है आपका जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस uh, कैसा है फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है वो किसी भी कंपनी के अकाउंट से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसकी जानकारी मिलती है तो जो मैनेजर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं और रेगुलेटिंग एजेंसीज़ हैं या जो टैक्स कलेक्टर हैं वो सब इस बात से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि आप किस प्रकार से आगे कार्य करेंगे तो यहाँ पर अब आपके साथ समस्या आ जाती है कई बार आपको लगता है कि अगर आप पूरा प्रॉफिट दिखा देंगे अपना फाइनेंशियल स्टेटस अपना बेहतर दिखा देंगे तो सरकार को आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर आप कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बड़ा डेलेमा उनके मन में रहता है कि किस प्रकार से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करें ताकि ऑनेस्टी इंटीग्रिटी एक्यूरेसी जो है वो सारी चीज़ें हमारी मेंटेन हो जाएं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना हो तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप किस प्रकार फेस टू फेस या कंपनी की पॉलिसीज़ को आप डिफ़ाइन कर रहे हैं या कोई फंक्शनल एरिया में जब आप कार्य करते हैं उनको आप कैसे डिसाइड करें कि उनको किस प्रकार से आपको करना चाहिए मार्केटिंग में जैसे प्रॉब्लम आती है जैसे हमने फिनेंस के एरिया की बात करी ऐसे ही मार्केटिंग लीड्स इट्स इट्सल्फ टू सेवरल एथिकल इश्यूज जैसे कि प्राइजिंग आपको क्या रखनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन आप किस प्रकार से करेंगे एडवर्टीज़मेंट आप कैसे करते हैं प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप अनएथिकल वे में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं आपने इन्ग्रीडियंट्स कम रखे हैं और आपने ज़्यादा उस पर दिखा रखा है अपने लिखा रखा है या फिर आपने उसको डिस्क्लोज नहीं करा है तो ये सारी जो परेशानियाँ हैं वो आपको आ, दिक्कत में परेशानियों में डालती हैं कि आपको किस प्रकार से उसका कार्य करना चाहिए अब बात करते हैं हाउ टू मैनेज एथिक्स एट दी वर्क प्लेस आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल ग्राउंड्स को कैसे मेंटेन कर देंगे कैसे आप मैनेज करेंगे उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को आगे डिस्कस करेंगे जिससे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अंडरस्टैंडिंग बेनिफिट्स ऑफ एथिकल कंडक्ट आप जो कार्य कर रहे हैं उसके उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उससे आपको क्या फायदे होंगे क्या लाभ होंगे उसको आप समझने की कोशिश करते हैं आप फोकस करते हैं एथिकल कंडक्ट्स पे डेवलप करते हैं कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट की किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए फिर उसको आप प्रमोट करते हैं लिंक एथिक्स टू अदर मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपने एथिक्स को आप और सारे अपने प्रबंधन प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं करके दिखाते हैं अपने लोगों को कि किस प्रकार से एथिकली कार्य किया जाता है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और रोल्स को एलोकेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं एक मॉडल इंडस्ट्री बेंचमार्क कि आप अपने यहाँ पर कार्य को इस एथिकल ग्राउंड्स पे करते हैं और वही सारे बेंचमार्क आपकी इंडस्ट्री को एक बेहतर इमेज और गुडविल प्रोवाइड करते हैं तो इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं ऑल की पार्टीज बेनिफिट फ्रॉम दी एथिकल ग्राउंड्स और एथिकल कंडक्ट विद इन दर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज हुव कॉन्फिडेंस इन देयर मैनेजमेंट दे कॉन्ट्रीब्यूट टू दे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पैरिटी तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने कर्मचारी जो अपनी संगठनों पे विश्वास रखते हैं वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं जो वो समझते हैं कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एथिकल है उनके साथ भी चीटिंग नहीं करेगा कस्टमर्स के साथ भी चीटिंग नहीं करता बेहतर सेवाएँ और बेहतर प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करता है तो वो ऐसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लॉयल रहते हैं एबसेंटिज़म कम होता है और उनका टर्न भी जो होता है वो कम हो जाता है और कस्टमर प्रेफर करते हैं ऐसे ही कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना ऐसे ही कंपनीज़ के साथ जुड़े रहना जिनका जो कार्य होता है वो एथिकल ग्राउंड्स पे होता है शेयर होल्डर्स भी उनके साथ कार्य करने में हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि उनको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने में बेहतर रिटर्न मिलता है क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेहतर दिखाते हैं और जब उनके फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी तो शेयर होल्डर्स को भी अच्छा रिटर्न मिलेगा तो जैसा कि हम बात कर रहे थे जो संगठन अगर अपने कार्य को नैतिक तरीके से करती हैं उनके कार्य करने का तरीका जो होता है वो नैतिक होता है तो ऐसे संगठनों से जो कस्टमर हैं वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से एसोसिएट रहते हैं अपनी कंपनी के प्रति लॉयल रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जो संगठन है ये अपने कार्य को सही प्रकार से करेंगी इनके प्रोडक्ट इनके सर्विसेज जो हैं वो बेहतर होंगे और इसी के साथ जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो भी आप पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होगी कि वो अपने कार्य को अच्छी जगह पर अपने पैसे को अच्छे संगठन में लगा रहे हैं और उनको बेहतर रिटर्न की उम्मीद रहती है आई ए एस के आगे बात करते हैं फोकस ऑन एथिकल कंडक्ट क्यों ज़रूरी है कि हम एथिकली अपने कार्य को करें आप अपने कार्य में अगर एथिकता या नैतिकता नहीं दिखाएंगे तो लोगों को और आप पर विश्वास नहीं होगा बहुत हद तक एथिकल और कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम कहने के लिए तो कहते हैं कि हमें अपने कार्य को नैतिकता के साथ करना चाहिए लेकिन क्या वो कार्य हमारा नैतिकता के साथ दिखाई देता है या नहीं देता वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो वैन रेफरिंग टू दी कोड ऑफ बिहेवियर द टर्म एथिकल कंडक्ट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर मीनिंगफुल देन एथिक्स तो इसका मतलब यही है कि आपके कार्य में वो नैतिकता दिखनी चाहिए जिस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज को आप इम्पार्ट कर रहे हैं कस्टमर को उनकी क्वालिटी कैसी है उनकी पैकेजिंग कैसी है क्या इंग्रेडिएंट्स आप उसमें यूज़ कर रहे हैं कितना प्राइस आप उसका रख रहे हैं ये सारी चीज़ें बहुत हद तक आपके काम करने के व्यवहार में दिख जाती है इसीलिए कहा जाता है कि आप फेयरली अपने कार्य को करिए जस्टिस के साथ करिए और आपके बिहेवियर को जो मार्केट है चाहे वो कस्टमर से भरा हो या शेयर होल्डर्स हो या आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो सब आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेंस से आपके कार्य करने का तरीका झलकता है इसके आगे हम बात करते हैं डेवलप अ कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट आप अपने कार्य को इस प्रकार से करिए कि आपके जो कोड ऑफ़ कंडक्ट है जो आपके कार्य करने का तरीका है उसमें ही आपके एथिक्स जो हैं उसकी झलक मिल जाए सो दी बेस्ट वे टू हैंडल एथिकल डायलेमाइज़ टू अवॉइड देयर अकेरेंस इन दी फर्स्ट प्लेस पहली जगह पर आप इस प्रकार से अपने कोड ऑफ कंडक्ट तय कर लीजिए अपने कार्य करने का जो पॉलिसी है आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ है उन्हें इस तरह से डिफाइन करिए कि आपको इस प्रकार से डिसीजन लेने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हो कि क्या सही है और क्या गलत है The process involved in developing a code of ethical conduct helps to sensitize employee to ethical consideration and to minimize the likelihood that unethical behavior will occur. agar अगर आप अपने संगठन में इस प्रकार की प्रिया लागू कर देंगे जहाँ पर आपके जो इम्प्लॉयज हैं आपके जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्य को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में कर रहे हैं तो वहाँ पर अनएथिकल बिहेवियर का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसा एक सिस्टम तैयार कर दें जो हमारे कार्य करने का जो तरीका है वो ऑटोमेटिकली इस प्रकार से हो कि वहाँ पर कोई अनएथिकल एक्टिविटीज़ को टेक प्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े और अपना काम जो है वो ऑटोमेटिकली नैतिकता के साथ होता रहे तो वो कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है तभी वो काम अच्छे से हो पाएगा इसके बाद ही हम बात करते हैं उसके प्रोसेस को प्रमोट करने की हमने प्रोसेस तैयार कर दिया हम चाहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस प्रकार से कार्य करें लेकिन अब हम उस प्रोसेस को किस प्रकार से प्रमोट करेंगे लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे या अपने कर्मचारियों को कैसे कहेंगे कि वो इसी प्रक्रिया के द्वारा ही अपने कार्य को कंप्लीट करें सो वैन इट कम्स टू मैनेजिंग एथिक्स एंड डेवलपिंग अ कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट ये जर्नी इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज दी डेस्टिनेशन जितना ज़रूरी हमें लक्ष्य तक पहुंचना है उतना ही ज़रूरी है कि हम किस तरह तरह से अपने लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं केवल हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को या संगठनों को प्रॉफिट नहीं अर्न करना है उनको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स केवल अचीव करना ही एक मुद्दा नहीं होना चाहिए जबकि उनको अचीव करने की क्या प्रक्रिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या रास्ता आप तय कर रहे हैं वो भी बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट होता है तो कोड पॉलिसीज़ आपके प्रोसीजर्स आपका बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रखा है किस प्रकार से आप अपने कार्य को करते हैं आपकी पॉलिसीज़ कैसी हैं आपके कार्य करने का प्रोसीजर कैसा है ये बहुत हद तक डिफाइन करता है कि आप किस प्रकार से अपने कार्य को आगे ले जा रहे हैं और ये आपका कार्य का प्रकार ही आपके संगठन को आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तैयार करता है सो द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द डायलॉग दैट प्रोसीजर्स दैट डिलीवरीज डिलीवरेबल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड वेयर पॉसिबल यूज ग्रुप डिसीजन मेकिंग टू एक्टिवली इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन इन एंड ओनरशिप ऑफ द फाइनल आउटकम और जहां तक जरूरी हो सके या मुमकिन हो सके बहुत ज़रूरी है आप अपने कर्मचारियों को भी इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग में पॉलिसी फार्मूलेशन में ताकि वो उससे जुड़े रहें और उनको मालूम हो कि किस प्रकार से इस कार्य को हमें अच्छे से मिल काम करना है क्योंकि अगर आप अपने आप में अपने लेवल पर डिसीजन मेकिंग लेते हैं पॉलिसी फार्मूलेशन करते हैं तो बहुत हद तक एम्प्लॉयज़ का कर्मचारियों का उसमें इन्वॉलमेंट नहीं हो पाता और जब वो खुद रह के उनको डिफाइन करेंगे तो अपने कार्य को भी वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे इसके बाद हम बात करते हैं लिंक एथिक्स टू अदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपकी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपके मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ अगर आप जोड़ देंगे तो आपका कार्य जो होगा वो नैतिकता के साथ होगा सो द डेवलपमेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट शुड नॉट अकर इन आइसोलेशन अकेले में नहीं करना है आप केवल अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे नहीं पता तो संगठन जरूरी है कि संगठन में कार्य करने वाले सारे ही लोग चाहे वो नियोक्ता हो चाहे वो कर्मचारी हो वो सब मिलके जब अपने कार्य को नैतिकता के साथ करते हैं तभी संगठन आगे बढ़ पाएगा या उसका ग्रोथ या सक्सेस डिफाइन हो पाएगा तो अपने कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट को आप केवल अपने तक सीमित मत रखिए उसको और चीज़ों से और लोगों के साथ जोड़ते जाइए ताकि आपके हर चीज में हर कार्य में आपको वो दिखाई दे सो द क्रिएशन ऑफ वैल्यूज स्टेटमेंट लाइक फॉर एग्जांपल शुड अकर एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस जब आप अपने संगठन के बारे में जब प्लानिंग करते हैं और पूरी तरीके से आप प्रोसेस डिफाइन कर रहे होते हैं तब आप शुरुआत से उसको लेके चलें एंड अ लिंक टू एथिकल कंडक्ट फिक्स आइडली विद द प्रोसेस

रिजल्ट तक अपने एथिक्स को अपने वैल्यूज को अपनी नैतिकता को बनाए रखिए तो वो आपके हर कार्य में झलकेगी जब वो प्रतीत होगी लोगों को तक पहुंचेगी तब धीरे धीरे उसका आपको फायदा देखने को मिलने लगेगा इसके बाद हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करिए दिखाइए लोगों को बताइए अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में आप एथिकली कार्य कर रहे हैं कैसे लोगों तक पहुंचेगा या उनको कैसे पता चलेगा जब आप अपने कार्य में उस चीज़ को दिखाएंगे लोगों को विश्वास होगा कि आप अपने कार्य को बहुत नैतिकता के साथ करते हैं सो द बेस्ट वे फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन टू गेन अ रेपुटेशन फॉर ऑपरेटिंग एथिकली इज टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट बिहेवियर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू रिमेन एथिकल इज टू बी एथिकल आप अपने कार्य को करने के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं नैतिकता के साथ उसको आपको लोगों को दिखाना होगा और दिखाना भी एथिकली होगा ऐसा नहीं है काम तो एथिकली कर रहे हैं लेकिन उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने का तरीका आपका अनएथिकल हो तो आपको ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका कार्य करने का तरीका जो है जो प्रोसेस है वो लोगों तक पहुँचे ताकि उनको पता हो कि ये जो संगठन है अपने कार्य को सही प्रकार से करती है कोई गलती गलत काम या गलत सोच नहीं रखती है और इसको गलत सही तरीके से आप लोगों तक पहुँचाएँ एंड द बेस्ट एडवर्टीजमेंट योर एथिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम कैन हैव इज एवरी वन कमिटमेंट टू इट और उस पर आप दृढ़ निश्चय के साथ कार्य कीजिए जैसे आपने कोई भी बात कही है अगर कोई एडवर्टीजमेंट आप करते हैं और आप कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है या जो आपकी सर्विस जो है वो किस प्रकार से बेहतर है आपके कॉम्पिटिटर से क्या चीज़ें उनको मिलेंगी तो उस पर आप कमिटेड रहिए ऐसा नहीं कि आज बस कहने के लिए आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो बात कर दी है लेकिन उसमें एक्चुअल में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो जो भी चीज़ आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं या जिस भी तरीके से आप कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट पे आपको स्टिक रहना होगा तभी वो लोग आप पे विश्वास कर पाएंगे सो बी प्रिपेयर फॉर एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एथिकल इश्यूज टू बी डेल्ट विद एंड स्टाफ बिकम्स इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिक्स मैनेजमेंट इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट मोर इशूज विल बी आइडेंटिफाइड एंड मोस्ट डैमेजिंग थिंग्स इज दैट फॉर मैनेजमेंट टू कम आउट विद द कोड ऑफ एथिक्स और वैल्यू स्टेटमेंट अ मॉडल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर तो इसको करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी आपको एक प्रोसेस तैयार करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं एक मैथड और एक मॉडल आप प्रिपेयर करते हैं जिसके द्वारा आप अपने कार्य को लोगों तक पहुँचाते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो संगठन है वो किस नैतिकता के साथ अपने कार्य को कर रहा है उसके बाद आप एलोकेट कीजिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके काम कर रहे है, कर्मचारी हैं उनको आपको बताना होगा कि उनके क्या कार्य हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है संगठन में किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करनी है एंड एथिक्स मैनेजमेंट कमेटी रिप्रेजेंट्स दी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके संगठन में जो एथिक्स को मैनेज कर रहा है या जो इस बात का ध्यान रखता है कि किस प्रकार से संगठन का सारा ही कार्य एथिकली uh, होना चाहिए विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एथिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम ये उस डिपार्टमेंट की उस मैनेजमेंट की प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये हर समय चेक करते रहें सुपरवाइज़ करते रहें कि संगठन के सभी कार्य को हम नैतिकता के साथ पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं केवल हम ये कह दें और एक अपने प्रोसेस में ले आए लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब कार्य करते हैं तो हमारे उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है हमारे एथिकल ग्राउंड्स का या वैल्यूज़ का उसको ये एडमिनिस्टर करते हैं और रेगुलरली चेक करते हैं सो दी क्रिएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट विल बी दी पार्ट ऑफ ओवरऑल प्रोग्राम एंड एथिक्स ऑफिसर हु आइडली शुड बी अ सीनियर एग्जीक्यूटिव बट नॉट फ्रॉम दी एच आर ऑफ़ द लीगल डिपार्टमेंट ही और शी मज बी ट्रेन इन मैथड्स ऑफ एथिक्स इन वर्क प्लेस एंड हैव अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग दी प्रोग्राम तो आपका जो एथिक्स का मैनेजर होता है जो इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है इसमें यह ध्यान रखना है कि वो एक सीनियर सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए जिसके पास एक एक्सपीरियंस हो जिसको इस बात की समझ हो कि किस प्रकार से उसे चेक करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में कार्य को नैतिकता के साथ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा एक और चीज़ इसमें कही गई है कि आपका जो ये एथिक्स मैनेजर है वो एच डिपार्टमेंट से नहीं होना चाहिए वो अलग कोई पर्सन होना चाहिए या वो किसी लीगल डिपार्टमेंट का भी पार्ट नहीं होना चाहिए ही शुड बी अ पर्सन हु एक्चुअली बिलोंग्स टू अ कैटेगरी वेयर ही बिलीव्स इन एथिकल वैल्यूज़ और उसके खुद के जो वैल्यू सिस्टम है उसका जो एथिकल ग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी वो ये चेक कर पाएगा कि जो आ, सारे कर्मचारी हैं या जो अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं वो अपने कार्य को पूरी तरीके से नैतिकता के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सो डिमॉन्स्ट्रेटेड इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट स्टाफ ऑन बोर्ड मस्सी दी सीनियर मैनेजमेंट टेक्स एथिकल कंडक्ट सीरियसली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके टॉप मैनेजमेंट से लेके बॉटम मैनेजमेंट तक जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके कार्य करने में ये सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए कि आप अपने कार्य को नैतिकता के साथ पूर्ण कर रहे हैं तो ये एथिक्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चेक करना है कि किस प्रकार से सभी लोग अपने कार्य को करते हैं इसमें हम हम आगे आइडेंटिफाई करेंगे मॉडल को आइडेंटिफिकेशन इन मॉडल इंडस्ट्री बेंच मार्क आपको ये देखना है कि किस प्रकार से आपकी कर, आपकी इंडस्ट्री के लिए आप एक बेंच क्रिएट कर सकें ताकि लोग उस तक पहुँचने के लिए कोशिश करें एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्ट्राइव टू मैच प्रैक्टिस विद एस्पाउस्ड वैल्यूज़ जो आज के ज़माने में जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है और हर कंपनी क्या चाहती है कि वो अपना एक बेंचमार्क क्रिएट करे एक ऐसा स्टेटस गेन करे जिससे मार्केट में उसका एक रेपुटेशन क्रिएट हो जाए so the soul of a business for example is an account of the way in which ethical consideration guided the day-to-day -day operation of the american company toms of maine one of the company's status values was its commitment to the health of the environment and the company therefore used glass containers instead of plastic even though the plastic was cheaper to purchase label as well as to ship but toms of maine was also committed To supporting सपोर्टिंग ए रीजनल इकोनमी ओनली वैन इट कुड नॉट परचेज रिसोर्स इन इट्स लोकल एरिया वॉम्स गोज फादर अ फील्ड इसमें कहा क्या गया है कि एक example के तौर को आपको बताया गया है कि companies कई बारी चीज़ों को बस कहती हैं और करती नहीं है लेकिन ये जो company hai जैसे कि ये कहती है कि हम अपने environment को भी सेफ रखेंगे उसको भी हम हेल्दी रखेंगे तो वो आपकी practices में दिखना चाहिए जैसे क्या कहा गया कि वो क्या करते हैं अपने संगठन में ग्लास की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक जबकि प्लास्टिक सस्ता भी मिलता है और उसको शिप कराना या लोगों से ख़रीदना बहुत सस्ता है उसका जो एक्सपोर्ट है या ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत कम रेट्स में हो जाता है लेकिन क्योंकि वो अपनी इस बात पे कमिटेड है और वो जानते हैं कि अपने काम को हमें एथिकली करना है और इन्वायरमेंट को सेफ रखना है प्रोटेक्ट करना है एक हेल्दी इन्वायरमेंट अगर होगा तो वो ना केवल हमारे लिए अच्छा होगा बल्कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा तो उस चीज़ को फॉलो करने के लिए आपकी प्रैक्टिस में वो चेंज दिखना चाहिए और वो ये भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपने लोकल मार्केट से अपने आसपास की जगह से चीज़ों को परचेस करें अगर वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप कहीं बाहर से उसको परचेज करके लाएँ ताकि आपका जो लोकल एरिया है जो लोकल मार्केट है उसको ग्रोथ और सक्सेस मिल सके सो दिस डेमॉन्स्ट्रेटेड कमिटमेंट टू द्सपाउट वैल्यूज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी कंपनीज़ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंस्पायर्ड अदर्स टू फॉलो इट्स लीड तो ये सारी जो आपकी प्रैक्टिसज़ हैं आपके जो कार्य करने का तरीका है जिस प्रकार से आप कार्य करते हैं आपका व्यवहार उसमें दिखता है आपकी नैतिकता उसमें दिखती है और ये आपकी कंपनी की वैल्यूज़ को इनक्रीज़ करने में मदद करती है जो कस्टमर्स हैं जो सोसाइटी है वो ये समझ पाते हैं कि ये कंपनी केवल कहती नहीं है करती भी है और इस प्रकार से फिर वो आपके साथ आपकी चीज़ों से जुड़ जाते हैं और यही एक कारण है जब कंपनीज़ की गुडविल और इमेज बढ़ने में उनको मदद मिलती है आइए बात करते हैं नैतिक निर्णय लेने में हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है अगर हमें एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा सबसे पहले हमें ये सोचना होगा इस बात पे चिंतन करना होगा कि क्या ये एक नैतिक मुद्दा है क्या ये एक ऐसा इशू है जिसको हम नैतिकता के साथ डील करना चाहते हैं या इसके क्या आउटकम्स निकलेंगे या इस पर डिस्कशंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं फिर आपको उसके लिए तथ्य प्राप्त करने होंगे आपको फैक्ट्स को कलेक्ट करना होगा ये समझने के लिए कि ये किस प्रकार से इसके आप डिसीजन मेकिंग कर सकें कि ये सही है या गलत है वैकल्पिक कार्रवाइयों का मूल्यांकन आप करते हैं आप इवेलुएट करते हैं कि आपके पास अब ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं अपने निर्णय की परीक्षा करें टेस्ट करें आप चेक करें आपने जो डिसीजन मेकिंग करी है क्या वो सही है या नहीं है इसके बाद बस ये करें लेकिन आपको क्या सीख मिली ये आप ये भी जाने जस्ट डू दिस कि आपने अब उस कार्य को डिसीजन मेकिंग आपने कर भी लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको क्या लर्निंग मिली आपकी क्या लर्निंग हुई उस चीज़ से आपने क्या सीखा ये आप पूरी तरीके से समझते हैं तब उसके बाद आपका जो डिसीजन मेकिंग है आपको समझ में आता है कि ये कार्य आपने जो या डिसीजन जो आपने लिया है वो सही है या नहीं है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुद्दे से जिसमें हम बात कर रहे हैं इज इट एन एथिकल इशू क्या ये एथिकल मुद्दा है इस बात पे आपको सोचना है दिस इज पर ट्रिकीएसट स्टेज ये सबसे ज्यादा एक ट्रिकस्ट स्टेज है एथिकल डिसीजन मेकिंग में एंड सम्स दी सब टाइटल्स ऑफ द इशूज आर अबब एंड बियॉन्ड आर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये जो मुद्दा है जिसके साथ हम डिसीजन मेकिंग करनी है इसमें अनजस्ट और जस्ट क्या होगा क्या सही है क्या गलत है इस बात का डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड इट फील्स अनकम्फर्टेबल मेकिंग द डिसीजन ऑन योर ओन गेट अदर्स इन्वॉल्व एंड यूज देयर कलेक्टिव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू मेक मोर कंसिडरेबल डिसीजन तो अगर आपको इस बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है और अगर आप स्वयं अपने अपने स्तर पर उसका डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस रास्ते मुझे जाना चाहिए क्या ये एथिकल होगा या नहीं होगा इस प्रकार से मुझे कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो बेहतर होगा आप चार लोगों को इन्वॉल्व करें उनसे पूछें उनसे डिस्कशन करें जिनको इस बारे में जानकारी हो जो इसके बारे में नॉलेज रखते हों उनसे आप सलाह लें और उस सलाह के साथ आप आगे डिसीजन मेकिंग करें तो बेहतर होगा कि आपका जो डिसीजन होगा वो भी सही हो इसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो है आपको उसके तत्व को कलेक्ट करना फाइंड आउट करना कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं फैक्ट क्या हैं व्हाट डू यू नो एज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंटली व्हाट डिड नॉट यू नो जो आपको पता है वो तो ज़रूरी है लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं पता है तो क्या नहीं आपको मालूम है उस चीज़ से रिलेटेड उस रिलेटेड आस्पेक्ट्स को आप सर्च करते हैं फाइंड आउट करते हैं सारे फैक्ट्स को जब हु आर दी पीपल अफेक्टेड बाई योर डिसीजन किन किन लोगों पर इसका असर पड़ सकता है अगर आप इस प्रकार से डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपको उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझना होगा हैव यू हैव दे बी कंसल्टेड क्या उनसे पूछा गया है वॉट आर योर ऑप्शन अवेलेबल टू यू हैव यू रिव्यूड योर ऑप्शन विद सम वन यू रेस्पेक्ट तो इन सारी चीज़ों को आपको क्वेश्चन uh, को आंसर करना होगा और जब इन सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाता है तो आपको कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड हर चीज़ के बारे में हर एस्पेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी होती है और जब आपको जानकारी होगी तब तो आपका लिया हुआ जो निर्णय है वो भी बेहतर होगा जब आप फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप इवैल्यूएट करते हैं फिर आप खोजते हैं कि आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव एक्शंस लेने के लिए या ऑल्टरनेटिव तरीके हैं क्या अन्य तरीके हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं तो इसमें आपके पास कई अलग अलग तरीके की अप्रोचेज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं जिनको हम आगे फर्दर और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इसके बाद हम बात करते हैं इवेलुएट ऑल्टरनेटिव एक्शंस की हमारे पास क्या और रास्ते हैं जिनको हम सोच सकते हैं खोज सकते हैं किस तरीके की, की अप्रोच हमें रखनी चाहिए जब भी भी हम कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो इसमें कुछ अलग अलग अप्रोचेस के बारे में बताया गया है जिनको हम आगे और विस्तार में पढ़ेंगे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड यूटिलिटेरियन अप्रोच होती है इस अप्रोच में हम ये ध्यान रख के चलते हैं कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमें इस तरीके का डिसीजन हो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा दे और कम से कम लोगों को उससे हानि पहुँचे उसके बाद आपकी राइट बेस्ड अप्रोच होती है जो ये कोशिश करती है कि हर इंडिविजुअल के राइट्स को आप रिस्पेक्ट करें और उसको ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन मेकिंग करें तीसरा जो अप्रोच है वो फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच है जिसमें आप ये विश्वास रखते हैं ये मान के चलते हैं कि किसी के साथ कोई अनजस्टिस ना हो किसी के साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो उसका आप ध्यान रखते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं कॉमन गुड्स अप्रोच में आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की वो बेहतर रहे और इसके बाद आती है आपकी वर्चुअल अप्रोच जो कहती है कि आपकी इम्बॉडीज़ दी करेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ योर वैल्यूज आपकी जो पर्सनैलिटी है या जो आपका कार्य करने का तरीका है उससे आपके उसमें और ज्यादा सशक्तिकरण आता है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने डिसीजन को आप चेक करिए फाइंड आउट करिए कि आपके द्वारा जो लिया गया डिसीजन है वो सही है या नहीं है उसको एक दो बार आप रीचेक भी करिए कुड यू कंफर्टेबली एक्सप्लोन योर डिसीजन टू योर मदर दिस इज़ वॉट अ क्वेश्चन यू कैन ask टू योर ओन सेल्फ क्या आप अपने आपको इस बारे में समझा सकते हैं या अगर आपसे पूछा जाए आपके घर परिवार वालों से घर परिवार आपसे पूछे कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया तो क्या आप तह दिल से अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे आपके पास इसका आंसर है कई बार हम क्या करते हैं कुछ कार्य कर लेते हैं लेकिन उनको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं. तो बहुत जरूरी है कि आपने लियो है निर्णय को आप यहाँ पर जस्टिफाई करिए टेस्ट कीजिए और अपने अंतर मन को त कि आपके द्वारा लिया गया डिसीजन आप उसके लिए जवाबदेही हैं या नहीं है या दवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं और लास्टली हम कह रहे हैं जस्ट डू इट बट वॉट यू लर्न फ्रॉम इट आपने कर तो दिया वो लेकिन आप उसको सीखते क्या हैं उससे आपको क्या नॉलेज मिलती है क्या लर्निंग मिलती है उसको आप ज़रूर से समझिए क्योंकि वो लर्निंग जो है आपको वो और आगे डिसीजंस लेने के लिए वो बेहतर बनाएगी और आप अपने डिसीजंस को और सक्षम तरीके से ले पाएंगे तो चलिए आगे अब हम डिटेल में बात करते हैं सोर्सेज की जो हमने अभी बात करी थी अप्रोचेस की उनको थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पांच एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हम शुरुआत करेंगे यूटिलिटेरियन अप्रोच की जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो अप्रोच है ये इस मामले पर ध्यान रखती है इस बात पर ध्यान रखती है कि जिस भी तरीके का आप डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा पहुँचाए बेनिफिट टू दी मैक्सिमम ऑफ पीपल एंड इट विल हार्म टू दी मिनिमम ऑफ पीपल ये इस प्रिंसिपल का अप्रोच है कि कम से कम लोगों को उसका नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसका फ़ायदा हो तो आपके जो एथिकल कॉपरेट एक्शन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि आपके जो भी गुड्स हैं आपकी जो भी सर्विसेज हैं उसमें आप सबको बेनिफिट प्रोवाइड करें जैसे आपके कस्टमर्स आपके एम्प्लॉइज़ आपके शेयर होल्डर्स आपकी कम्युनिटी एज़ वेल एज दी एनवायरनमेंट आप यहाँ पर एथिकल वेलफेयर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और आप आप कोशिश करते हैं कि आपकी पार्टी इसको कम से कम हार्म पहुंचे इसके बाद आपका राइट अप्रोच आता है राइट अप्रोच में आप कोशिश ये करते हैं कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप अपने सारे ही जुड़े हुए लोगों का कस्टमर्स इंप्लाइज शेयर होल्डर्स गवर्नमेंट सबके राइट्स का उनके अधिकार का ध्यान रखें और कोई इस प्रकार का डिसीजन ना लें जहाँ पे किसी के अधिकार को आप चोट पहुंचा रहे हों इसके साथ आपकी जो तीसरी अप्रोच थी फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच ये एरिस्टॉटल ने दी थी जो ग्रीक फिलोसोफर हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इस आइडिया को दैट एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कोई अनजस्टिस नहीं होना चाहिए किसी के साथ आप अनफेयर प्रैक्टिस आप फॉलो ना करें किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बेस्ड ऑन एनी सर्कमस्टांसिस बेस्ड ऑन एनी फीचर चाहे वो जेंडर के बेसिस हो चाहे वो एज के बेसिस पे हो चाहे वो कल्चर रिलीजन किसी भी तरीके से अगर आपके यहाँ पर कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं और किसी भी तरीके का आपको डिसीजन लेना है वो आपका इक्वल फॉर्म में होना चाहिए उसमें इक्वालिटी मेन्टेंड होनी चाहिए ये ये अप्रोच कहती है उसके बाद आती है आपकी कॉमन गुड्स अप्रोच जो अगेन ग्रीक फिलासफर्स ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया था और वो ये कहते हैं कि हम इस प्रकार से डिसीजन मेकिंग लें या इस प्रकार से कॉन्ट्रीब्यूट करें जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो जो सबको बेहतर साबित हो और सबके लिए वो न्यायप्रिय हो तो उस प्रकार से अप्रोच को हम कहते हैं दी कॉमन गुड्स अप्रोच और उसके बाद आती है आपकी वर्चुअल अप्रोच ये एक बहुत ही पुरानी अप्रोच है जिसमें हम एथिकल्स कंसिड्रेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी ह्यूमैनिटी को अपने एनवायरनमेंट को डेवलप करने की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऑनेस्टी करेज कंपैशन जेनरॉसिटी टॉलरेंस लव फिडेलिटी इंटीग्रिटी फेयरनेस सेल्फ कंट्रोल एंड ट्रिड्यूजेंस जैसे चीज़ों को हम यहाँ पर मेंटेन करें और इस पे ध्यान रखते हुए ही हम अपने आगे के डिसीजन मेकिंग करें इसके साथ ही आज के ये व्याख्यान के जो हमने स्रोत लिए हैं जिन सोर्सेज से हमने इस व्याख्यान के कंटेंट को कवर किया है वो कुछ इस प्रकार से हैं तीन किताबें हैं जहाँ से हमने इनको कवर किया है ए के अश्वत्थापा की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की किताब है फिशर की किताब है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड एस एस कनका की किताब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एस चांद पब्लिकेशन की तो इसके साथ ही हम आज का व्याख्यान यहाँ समाप्त करते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू